अरे वाह, क्या एग्जाम्पल दिया भाई, क्या बात है भाई। अरे जेसल भाई को लीड करने दो भाई। सो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बॉय द भाई का। सो गाइस, टाइम हो रहा है 3:45 AM और 4 बजे हमें निकलना है हमारे घर से, और मेरा सारा सामान जो है वो मैंने ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ मेरी बाइक पर, एंड समवन इज हियर एट माय हाउस, और वो भी ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद, एंड दैट इज मुरारी। हाय, हाय टू ऑल, हाय टू ऑल, ही इज माय हीरो, ही इज माय इंस्पिरेशन। आई एम ऑल द वे टू हैदराबाद टू मुंबई इन शाबाज। सो इफ यू हैव सीन माय मुंबई टू गोवा राइड वाला जो भी मेरा पिछले सीरीज था, उसके अंदर में मुरारी वॉज देयर विद अस, एंड हमारे बहुत ज्यादा हमने इंजॉय किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में लिंक होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी बस 10 मिनट बचा है हमारे पास में, हमें फटाफट रेडी होना है और फिर पहुंचना है हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जहाँ जो है कलमवली पनवेल में, एंड दैट इज अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम माई प्लेस, जो कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स या 1 आवर मैक्सिमम लगेगा। सो लेट्स गेट रेडी। फिलहाल में घर पूरा मेस्ट अप है, एज यू कैन सी पीछे हेलमेट्स, जैकेट्स एंड ऑल यहाँ पर। सो लेट्स गो ऑन द बाइक। सो गाइस, इट्स 4:30 AM ऑलमोस्ट, एंड हम है ऑलरेडी लेट, मतलब मैं और मुरारी, जो कि अंधेरी से निकले हैं पनवेल के लिए, और वहाँ पर 5 बजे मिलना था। कुछ फ्रेंड्स हमारे हैं जो कुरला पर रुके हैं, हमें उनसे मिलना है और वहाँ से हमें साथ में ज्वाइन करके आगे कंटिन्यू करना है। बट लगता है उनको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मुरारी जो है उनकी बाइक पर लगेज का सेटअप नहीं हुआ था, तो हमने सेटअप करने की ट्राई की बट बंजी टूट गया। तो अब जाकर हम निकले हैं यहाँ से। मैं बड़ा परेशान था, मेरी लाइफ में बहुत अंधेरा था, एक छोटा सा पैच था, बट जब से मैंने ये लाइट लगाई है तो मेरी जिंदगी में रोशन ही रोशन हो गया है विदाउट रितिक। सो गाइस, इट्स 5:35 AM एंड वी हैव रीच्ड कलमबोली, जहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट था, एंड नाउ पेट्रोल भरा रहे, पेट्रोल फुल टैंक पूरा खाली है बस टाकी। सो टाइम हो रहा है 6:20 और हमारी गैंग जो है हम निकल चुके हैं महाबलेश्वर के लिए, और हमें लीड कर रहे हैं आज हमारे जेसल भाई, और पीछे है हमारे बिलिल भाई, और इंटरकॉम से हम लोग कनेक्टेड है SG5 ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस से। अगर आपने उस डिवाइस का जो मैंने वीडियो बनाया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो इट्स 6:45 AM और हम पहुँचे हैं नियर करजत, मतलब हम लोग ने किया ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर अब तक के, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में। क्या चला रहे हम लोग बैलगाड़ी, समझ में नहीं आ रहा भैया। और हमारे कनिष्क भाई के साथ है हम जुड़े ASG के SG5 के ब्लूटूथ इंटरकॉम से। कनिष्क भाई बहुत आगे जा चुके हैं, इंटरकॉम का कनेक्शन टूट सकता है पर हम टूट नहीं देंगे, और कनिष्क भाई हमें स्पीड ब्रेकर के बारे में बताते हुए, कनिष्क भाई स्पीड ब्रेकर में कितना किलो डाम्बर गया रहेगा ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, 2 किलो पर स्क्वायर फीट। और कनिष्क भाई हमें अभी बताएंगे, हमारे संवाददाता मौके वारदात पर मौजूद है और वो हमें बताएंगे अभी कि इसके अंदर में कितना रोलर घुमा है। अरे वाह, क्या एग्जाम्पल दिया भाई, क्या बात है भाई। अरे जेसल भाई को लीड करने दो भाई। 10 जेसल भाई, एंड जेसल भाई फुल टांगे अपनी निचोड़ते हुए, और जेसल भाई की टांगे ऊपर आ गई है। दैट संदीप भाई के साथ में है उनके फ्रेंड पिलियन, और हमारे मुरारी जो कि हैदराबाद से आए हैं, बिरयानी नहीं लाए हैं, ये है मुरारी, तो बाकी के सब बहुत पीछे। सो गाइस, जस्ट टुक अ होल्ड ओवर हियर ऑन द घाट्स, ऐसे स्टीप पे हम लोग रुक गए, और हम अभी पिक्चर्स जो क्लिक करेंगे वो एक अपलोड करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर, तो प्लीज़ डू फॉलो मी देयर। और ये है हमारी सारी बाइक्स, ये हमारा लाइनअप है, और ये हमारे एडम्स फैमिली के डैडी जेसल भाई, अपने कनिष्क भाई, वी आर कनेक्टेड विद द ब्लूटूथ इंटरकॉम हेडसेट। तो
सो कुछ इस तरीके से हमारा लाइनअप है, और दिस इज़ मर्द मुजाहिद हु इज़ डांसिंग, और ये है हमारा घाट और ट्रक और झाड़ और पत्थर, बोर का झाड़, जीप, कनिष्क भाई। सो हम लोग रुके हैं कामत होटल में, एंड यहाँ पर हमारे भीलवा जैन हो गए, और हम लोग यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। कनिष्क भाई को कुछ और करना है, कनिष्क भाई का मिशन कुछ और है यहाँ का। कहाँ गए कनिष्क भाई? मिशन भूख जोर से लगी है यार। सो वी जस्ट हियर एट कामत होटल, जहाँ पे मेन सारे बाइकर्स यूजुअली आके यहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं। सो वी जस्ट थॉट के लेट्स कम हियर एंड थोड़ा पेट पूजा करते हैं, बिकॉज थोड़ी भूख लगी थी। हैं जी, दिस इज मर्द मुजाहिद। ओह माय गॉड, ऐसा किया। सो गाइस, डन विद आवर ब्रेकफास्ट ओवर हियर, एंड माय ब्रदर मुरारी हु केम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू ब्रदर। थैंक यू। जस्ट टुक अ हॉल्ट जस्ट 25 किलोमीटर्स बिफोर पुणे। गर्मी खतरनाक हो रही है यार। आई रिमूव्ड माय राइडिंग पैंट्स, ड्राई फिट ट्रैक अंदर जो पहना था उसमें आ गया अभी, एंड नाउ वी अर्ली अवेइंग। थोड़ा सा नीरा पी लिया एक ग्लास, फीलिंग बेटर नाउ। इट्स वे टू हॉट। सो गाइस, वी हैव एंटर्ड पुणे, और यहाँ से ऑलमोस्ट और लगेगा हमें 2-2.5 hours मोर, बट बीच में एक वाई का राइट आता है ब्रिज के नीचे से, वहाँ पे विल टेक अ हॉल्ट, बिकॉज वहाँ पे हमारे एक फ्रेंड आने वाले हैं फ्रॉम इंस्टाग्राम, और वो ऑल द वे कोल्हापुर से आने वाले हमसे मिलने के लिए। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ट्रैफिक थोड़ा मिल रहा है, धूप बढ़ती जा रही है, गर्मी खतरनाक हो चुकी है, राइडिंग पैंट मैंने निकाल चुका है क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। ये देखो रॉन्ग वे, साला इतना सा रोड है इसमें भी आएंगे। तो ये जो स्ट्रेट रास्ता जाता है आगे सतारा के लिए, और हम लेंगे यहाँ से राइट जो कि हमें ले जाएगा पंचगनी और महाबलेश्वर के लिए। अपन फुल लाल है भाई, अपन फॉरेनर है ना, इंडिया में आता था ऐसे चोता अपने साथ। So guys, met a friend from YouTube and Instagram, और वो आए ऑल द वे फ्रॉम कोल्हापुर टू मीट मी, और बस सेल्फी वेल्फी लिया हमने, बात की, एंड देन ही लेफ्ट फॉर कोल्हापुर अगेन। भाई, इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेकिंग मी फील सो स्पेशल, थैंक यू वेरी मच। महाबलेश्वर 43 किलोमीटर्स एंड विच विल टेक ऑलमोस्ट अराउंड 1 hour 17 minutes अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, और हमें गूगल मैप्स से पहले पहुँचना है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट है। टाइम हो चुका है 12:45, धूप बढ़ती जा रही है, गर्मी लग रही है, अभी सिंगल लेन रोड स्टार्ट हो चुका है, एंड ओवरटेक करना है तो ऑपोजिट लेन से। आगे का सीन बताएंगे, मचाएंगे। यहाँ पे आपको गन्ने का जूस बहुत मिलेगा बिकॉज सतारा में गन्ने बहुत उगते हैं। मैं क्यों देखूँ गन्ने के खेत, मुझे नहीं जाना गन्ने के खेत में। और महाबलेश्वर इज फेमस फॉर स्ट्रॉबेरीज, तो स्ट्रॉबेरीज भी खाएंगे अगर मिलेंगी तो।
So 24 kilometers more to go और time दिखा रहा है अप्रॉक्स 45 minutes more. हम हैं अभी महाबलेश्वर के घाट पर जिस पे क्रिस क्रॉस रोड्स है. यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ओवरटेक ऑपोजिट लेन से करना पड़ता है एंड यू हैव टू टेक केयर और प्रॉपरली वॉच करके आपको ओवरटेक करना है बिकॉज सामने से गाड़ी बहुत फास्ट आती है एंड कोई रुकता नहीं है बॉस. मतलब यहाँ पे ऐसा है कि बाइक गाड़ी या बाइक या बस जो भी आती है बस से तो सबसे ज़्यादा बच के रहना चाहिए बिकॉज ST बसेस जो होती है जो गवर्नमेंट की बसेस वो लोग तो भाई ऐसा लगता है कि बस में ना ब्रेक ही नहीं दिया हुआ है वो लोगों को. वो लोग डायरेक्टली घुसते ही जाते हैं और आपको रोड से नीचे उतारने की कोशिश करते हैं. सो व्हेनेवर यू राइड ऑन दिस रोड एकदम आराम से और पेशेंस से आपको ये रोड पर राइड करना है. सो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड पंचगनी और पंचगनी आंटी स्क्विड है. आंटी ने हेलमेट नहीं पहनी तो हम लोग हैं अभी फ़िलहाल पंचगनी में और यहाँ पर लाइन से सब आपको मिलेंगे स्कूल्स बोर्डिंग्स और जो तारे ज़मीन पर की जो शूटिंग हुई थी स्कूल की वो यहीं की स्कूल थी पंचगनी की. एंड आमिर खान का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन भी यही है. आमिर खान का यहाँ पे बंगलो भी है पंचगनी में. लेफ्ट में है बस डिपो और आपको टैक्सी जो सब भी मिल जाएगी यहाँ पे. सो यह विहार हम लोग पहुँच गए महाबलेश्वर. यहाँ पर आपको पैसे भरने पड़ते हैं महाबलेश्वर में आने के. कितने है भाई साहब? 20 रुपये. और ये ना संभाल के रखना क्योंकि काम आएगी बाद में भी. एंड वी आर हियर एट द महाबलेश्वर मार्केट और मार्केट में तो बॉस इधर पे ज़्यादातर गाड़ी अलाउड नहीं है बाइक अलाउड नहीं है यहाँ तक ही अलाउड है इसके आगे अलाउड नहीं है. सो दिस इज़ अ होटल ऑन द लेफ्ट. और ये होटल में हम लोग आ गए हैं और हमारी होटल में जो है हमें स्टिल पार्किंग भी अवेलेबल है. दिस इज़ द होटल. द नेम ऑफ द होटल इज़ होटल सालस और ये है मार्केट के बहुत ही करीब एंड हमें मिला है ये रूम फॉर 600 समथिंग और एक रूम में 3 लोग अलाउड है. सो मतलब पर हेड हमारा 200 रुपये समथिंग हो रहा है फॉर अ रूम विच इज़ डैम चीप वी वीकेंड में. स्पून डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी में आपका स्वागत है मिस्टर कृष्ण शर्मा के साथ. थैंक यू सर. Oh my God! Oh,